नमस्कार, कार्यक्रम इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या देख रही थी। ये एक कार्टून पत्रिका है। दोस्तों, कार्टून हम सभी को कभी न कभी गुदगुदा जाता है। कार्टून कला को एक नया मकाम देने वाले श्री त्र्यंबक शर्मा जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए स्वागत करते हैं त्र्यंबक शर्मा जी का। त्र्यंबक जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपको एकमात्र पत्रिका देश की कार्टून पत्रिका कार्टून वॉच का संपादक होने का गौरव प्राप्त है। आप लगातार 10 वर्षों से इस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। त्र्यंबक जी, हम जानना चाहेंगे कि इस पत्रिका की शुरुआत किस प्रकार और कब हुई? हमने पत्रिका की शुरुआत 1996 में की थी जी। वैसे मैं जब नवभारत में 1991 में था, तब मैंने कार्टून बनाना शुरू किया था। और उसके बाद मैंने शोध किया कि पता किया कि इस विधा में क्या काम नहीं हो रहा है। तब मैंने जाना कि पूरे देश में कार्टून पर आधारित कोई पत्रिका नहीं निकल रही है। तो हमने 1996 में इसकी शुरुआत की थी। त्र्यंबक जी, आपने बताया कि आप पहले नवभारत में थे, उसके बाद आपका ध्यान कार्टून की ओर आया। आपने इसको करियर के रूप में लिया, जबकि आज बहुत सारे लोग अपनी नाम और पहचान बनाने के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं। कार्टून बहुत मुश्किल विधा है और हमारे क्षेत्र में खासकर इसका कोई स्कोप नहीं था। अभी थोड़ा थोड़ा बनने लगा है। तो सबने कहा था कि एक शौक के रूप में ही रहना चाहिए, इसको करियर नहीं बनाना चाहिए। और लेकिन मेरे अंदर पता नहीं कहां से एक आत्मविश्वास था कि इस विधा में हम आगे जा सकते हैं, पूरे देश में एकमात्र काम कर सकते हैं जी। तो इसके लिए मुझे घर वालों का सपोर्ट मिला, बाकी इसलिए मैं आगे बढ़ पाया। आप इस क्षेत्र में अपना आदर्श किसे मानते हैं? हमारे आदर्श वैसे तो आर के लक्ष्मण जी हैं, जो जीवित हैं अभी कार्टूनिस्ट, और उनके पूर्व जो जीवित नहीं है, हमारे शंकर पिल्लई जी हैं जी। जिन्होंने सबसे पहले पत्रिका निकाली थी कार्टून पर जी। शंकर वीकली के नाम से 1948 में उन्होंने शुरू किया था। उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और नेहरू जी उनके बहुत अच्छे मित्र थे, तो उनको बहुत सहयोग मिला था। और उन्होंने 27 वर्षों तक वो पत्रिका निकाली थी। उस पत्रिका के बंद होने के बाद कोई पत्रिका नहीं निकली थी, और या कुछ निकली भी तो बहुत कम अंतराल में बंद हो गई। तो उसी से हमको प्रेरणा मिली, तो इसलिए मैं शंकर पिल्लई को ज्यादा महत्व देता हूँ। हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे दर्शकों को कार्टून के इतिहास के बारे में कुछ बताएं। कार्टून का इतिहास वैसे बहुत पुराना है। 16वीं शताब्दी से विश्व में अनेक जगह अनेक अलग अलग देशों में कार्टून की शुरुआत हो चुकी थी जी। और कई लोग ये भी कहते हैं कि पहले वहां पर कुछ प्रकाशन नहीं हुआ करता था, तो लोग अपनी अभिव्यक्ति दीवारों में कार्टून चित्र बनाकर राजा के खिलाफ अपना विरोध प्रस्तुत करते थे जी। और जहां तक भारत का सवाल है, 1930 में जब हम अंग्रेजों का शासन था यहां पर और आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी जी। तो कई लोगों ने कार्टून के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया था। उसमें शंकर पिल्ले भी थे, उनका नाम बहुत अच्छा उभरा था उस समय। और 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब उन्होंने फिर कार्टून पर काम किया, जो सबसे ज्यादा माना जाता शंकर सिटली का जी। सर, कार्टून और कैरिकेचर में क्या अंतर है? कार्टून में व्यक्ति विशेष नहीं होता है जी। और कैरिकेचर में व्यक्ति पर आधारित, जो जैसे हमको किसी नेता का चित्र बनाना है तो वो कैरिकेचर कहलाता है जी। लेकिन एक कार्टून बनाने के लिए इसमें जरूरी नहीं कि इसमें नेता जरूरी हो जी। हमको अगर किसी विषय पर बनाना है, राजनीतिक विषय पर, तो वो एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, ऐसा करके हम बना सकते हैं जी। लेकिन जहां तक कैरिकेचर है, वहां उस व्यक्ति का चेहरा बनाना जरूरी होता है। तो कैरिकेचर उसको बोलते हैं जिससे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व सामने आए, किसी राजनेता का, अभिनेता का, किसी व्यक्ति का। जब हम कैरिकेचर बनाते हैं तो वो पहचान माना चाहिए कि वो वह व्यक्ति है जी। ये अंतर। एनिमेशन कार्टून का ही विस्तार है, इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं? कार्टून, जहां तक एनिमेशन का सवाल है, इसमें बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। और हमारे देश में एनिमेशन पर काम करने वाले कम हैं और काम ज्यादा है जी। बाहर से हमारे देश में काम आ रहा है, लेकिन हमारे पास काम करने वाले लोग तैयार नहीं हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में एनिमेशन पर कोई कोर्स प्रारंभ हो जी। हमने इसके लिए शासन से बहुत अनुरोध किया था, शासन ने घोषणा भी की थी, लेकिन किसी कारणवश वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। तो हमारा आगे का जो लक्ष्य है वो यही है कि हम छत्तीसगढ़ में एनिमेशन पर एक संस्थान खोलें कार्टून वॉच के माध्यम से जी। और उसमें ताकि यहाँ का जो टैलेंट है वो माइग्रेट न करे, उसको पलायन न करना पड़े, और यहीं पर हम कार्टून फिल्में भी बना सकें। इस तरह का हम एक प्रारूप बना रहे हैं, उस पर काम चल रहा है।
थ्रिमक जी, आपने बताया कि आप आर के लक्ष्मण जी से मिल चुके हैं, हम चाहेंगे कि उनके साथ बिताए हुए पलों के कुछ अनुभव हमारे साथ बांटें। बहुत अद्भुत अनुभव था। आर के लक्ष्मण जी मतलब अपने आप में बहुत बड़े आदमी हैं और उनसे मिलना यानी हमारा सौभाग्य की बात है। उनको हमने यहाँ कार्टून फेस्टिवल में इन्वाइट किया था। हम लोग हर साल एक कार्टून उत्सव मनाते हैं जिसमें देश के शीर्षस्थ कार्टूनिस्ट को एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। तो वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया था और वे यहाँ आए और वे हमारे साथ 7 दिन रहे। अच्छा। और उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला जी। उन्होंने बताया कि उनके संस्मरण जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा दर्शकों को कि एक बार वे किसी होटल में गए थे, वहां पर उन्होंने देखा कि लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध, और धूम्रपान निषेध के साथ साथ ही वहां एस्ट्रे भी रखी हुई थी। तो उन्होंने प्रबंधक को बुलाया और कहा कि भैया विरोधाभास कैसे जी। तो प्रबंधक जो कि वहां का मैनेजर था उसको ये चीज दिखनी चाहिए थी लेकिन उसको नहीं दिखी, तो एक कार्टूनिस्ट की दृष्टि थी कि उसने ये विरोधाभास देख लिया। तो उनका कहना था कि हम अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते, आदमी अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करता है, आदमी दिन भर में कितने लोगों से मिलता है लेकिन उस कौन सी शर्ट पहना है, उसकी मूछें हैं या नहीं है, उसने चश्मा पहना है कि नहीं, ये बताना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है जी। क्योंकि हम अपनी आंखों का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने ये भी बताया कि हम जिस रास्ते में जाते हैं, जिस रास्ते से रोज जाते हैं, ऑफिस, घर से ऑफिस या घर से बाजार जी। हम आमतौर पर उस रास्ते पर जाते हैं लेकिन अगर हम उनसे पूछे कि उस रास्ते में फलानी दुकान या फलाना बोर्ड है क्या, तो हम नहीं बता पाएंगे जी। बिल्कुल। इसका कारण यह कि हम हर चीज को जब देखते हैं तो उसके साथ दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, तो आंखों का सही इस्तेमाल नहीं होता है। ये उन्होंने हमको सिखाया। शंभर जी, मैं आपकी पत्रिका कार्टून वॉच की नियमित पाठक हूँ। हम जो समाचार पत्रों और टीवी के माध्यम से सुनते हैं उसे थोड़े समय में भूल जाते हैं, जबकि इस पत्रिका के माध्यम से पढ़ी हुई बात हमें बहुत समय तक याद रहती है। तो ऐसे कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है कार्टून बनाते समय कि वो लोगों को लंबे समय तक याद रखें? असल में जब कार्टून पत्रिका की जहां तक सवाल है, कार्टून के माध्यम से हम वो चीज कह सकते हैं जो 1000 शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अगर आप एक समाचार पढ़ते हैं और एक उसी पर आधारित एक कार्टून देख लेते हैं तो कार्टून आपको ज्यादा याद रहता है क्योंकि उसमें एक ह्यूमर होता है और जो आपको गुदगुदाता है और एक संदेश भी देता है। और समाचार जो होता है वो सिर्फ एक समाचार होता है और उसको आपको पढ़ना होता है। समाचार में आपको समय लगता है पढ़ने में, कार्टून को देखने में आपको समय नहीं लगता और आपको आनंद भी मिलता है। याद इसलिए रहता है क्योंकि उसमें ह्यूमर होता है। आपको कोई भी हंसी वाली चीज हमेशा याद रहती है। दुख वाली चीज आप भले भूल सकते हैं लेकिन अगर कोई अच्छी फिल्म आप हास्य की देखें, आप हास्य का कार्टून देखें, तो आप उसको बाद में सोच सोच कर भी हंसते रहते हैं जी। तो इसलिए वो याद रहती है। कार्टून बनाते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो कार्टून बनाने के लिए सबसे पहले जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम में पहले देखना होता है कि उससे जनहित का की चीज क्या जुड़ी है और जनहित के साथ साथ उसमें ऐसा कुछ पुट ढूंढा जाता है कि जिससे सामने वाले को आनंद भी आए और उसको एक मैसेज भी मिले, संदेश भी मिले कि ये घटना ऐसे इस कारण से हो रही है। सर, ये जो कार्टून हम देख रहे हैं जी, इसके लिए आप किस प्रकार इसको बनाना प्रारंभ करते हैं, किन किन चीजों का उपयोग करते हैं? सबसे पहले तो जैसे कि हमको रैगिंग पर कार्टून बनाना था जी, रैगिंग पर कानून बन गया था जी। तो रैगिंग कानून बनने के बाद भी लोग उसमें लूप होल ढूंढ लेते हैं, तो रैगिंग कानून जब बना तो उसके बाद भी रैगिंग बंद हो जाएगी ऐसा हम नहीं मानते कि हो जाएगी, हालांकि होना चाहिए जी। तो उसमें ये जो सीनियर है वो कह रहा है कि सुनो, कल से एक जैसी ड्रेस पहनकर मत आना, हमको फंसना नहीं है। मतलब जो चीज पहले लोगों को पता चल जाती थी कि रैगिंग हो रही है, लोग लाइन से चलते हैं और नीचे मुंडी करके तीसरी बटन को देखकर चलते हैं, तो वो उसकी व्यवस्था बदल देंगे जी। ये उसमें था। और दूसरा, जहां तक माध्यम का सवाल है, पहले हम लोग आमतौर पर पेंसिल से बनाते हैं और पेंसिल से पूरा रूपरेखा बनने के बाद फिर ब्रश से करते हैं काम, फिर रंगों से काम करते हैं जी। इस तरह से। और कुछ कार्टून ऐसे भी होते हैं जिनका हम कंप्यूटर में रंग करते हैं जी। ये जब अगर आपका समय ना हो कंप्यूटर में काम करने का तो आप हाथ से कर सकते हैं, नहीं तो कंप्यूटर से और अच्छा कलर होता है। अच्छा। त्रिमक जी, आपके विचार में एक अच्छा कार्टूनिस्ट बनने के लिए व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए। जिस
विषय पर उसको कार्टून बनाना, मान लीजिए सामाजिक कार्टून बनाना है या राजनीतिक बनाना है या और अन्य चीजों पर बनाना है, तो उस विषय का उसको ज्ञान होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके अंदर एक कटाक्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। कटाक्ष करने की क्षमता जब तक उसके अंदर नहीं होगी वो कार्टून नहीं बना सकता। और कार्टून बनाना सिर्फ रेखाएं खींचना नहीं है, रेखाएं तो सेकेंडरी है, इसमें सबसे प्राथमिक है उसका विचार। तो विचार कोई सिखा नहीं सकता, तो विचार आपके अंदर वैसे ही आते हैं जब आप, एक प्रक्रिया होती है, शुरुआत होती है कि आप सोचना शुरू करते हैं एक दिशा में। तो कवि ऐसे सोचता है तो उसको कविताएं दिखती हैं हर जगह, एक चित्रकार को हर जगह चित्र दिखता है, तो वैसे एक कार्टूनिस्ट को हर जगह एक कार्टून दिखता है, वो ढूंढ लेता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि इसमें विभिन्न विषय होते हैं, तो इसमें आपका प्रिय विषय कौन सा है? मेरा प्रिय विषय वैसे जो है सामाजिक मुद्दों से जो जुड़े हुए होते हैं, जैसे हमने पर्यावरण पर, बच्चों के ऊपर और एड्स पर, हम चाहते हैं कि हमारा जो कार्टून हो वो सिर्फ सामयिक ना हो और या सिर्फ राजनीतिक ना हो कि उसको आदमी आज पढ़े और वो कल पुराना हो जाए। हम चाहते हैं कि वो कार्टून आज से 50 साल बाद, 25 साल बाद भी अगर कोई देखे तो आनंदित हो सके, उसको समझने के लिए किसी बहुत घटनाक्रम की आवश्यकता ना हो। जैसे पर्यावरण पर हम कार्टून बना रहे हैं, उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं, उस पर छापते हैं, तो एक सामाजिक कार्य भी हुआ। हम एड्स पर कार्टून बनाते हैं तो एड्स ना फैले उसके लिए जो तरीके होते हैं अवेयरनेस के लिए, हम अगर मोबाइल का वाहन चलाते समय उपयोग ना हो, ये हर पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है कि कार चलाते समय या बाइक चलाते समय मोबाइल नहीं उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसको हमको बताना है तो हम सीधे सीधे बताएंगे तो उसको मैसेज, उसको तो वैसे ही पता है लेकिन फिर भी हमको उसको बताना है ताकि वो सुधरे, तो उसके लिए हम हास्य का इस्तेमाल करते हैं, उसको कार्टून बनाते हैं कि वो मोबाइल में बात करते करते वो खंभे से टकरा गया और या गिरने के बाद भी फोन में बात कर रहा है। तो हम ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जो कालातीत हो, जिसको लोग आगे भी याद कर सकें। त्रिमत जी, आपने बताया कि एक कार्टूनिस्ट और एक कवि एक जैसे होते हैं जिन्हें विचार कभी भी आते हैं। आप यदि सो रहे हैं और रात को एक या दो बजे है जब आप उठकर देखते हैं, तो उस समय जब विचार आते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। जैसे विचार हर आदमी के अंदर आता है, हर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जैसे कोई कैमरा मैन है उसके अंदर भी बहुत अच्छा कार्टून का विचार हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि उसको, उसके पास दिशा नहीं होती कि वो उसको क्या करे। एक आम आदमी के पास भी जब वो कार्टून पढ़ता है तो उसके अंदर भी विचार आते हैं, तो या तो वो हमको फोन करके बताता है, कुछ लोग हैं जो फोन करके बताते हैं विचार, कुछ लोग हैं जो नोट कर लेते हैं और बाद में बताते हैं। तो वैसे ही हम लोग, अपने अंदर कोई विचार आता है तो हम उसको एक डायरी में नोट कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हम हो सकता है उसको भूल जाएं। तो तुरंत जो विचार आया उसको अगर वो बहुत अच्छा है तो हम उसको नोट कर लेते हैं, फिर बाद में उस पर हम और आगे कार्य कर सकते हैं। त्रिमत जी, अभी आपने इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ कार्टूनिस्ट के संकलन प्रकाशित किया है जिसमें उनका पुराने कार्टूनों का संकलन है, और उसके साथ साथ आपने उस जो तत्कालिक घटनाक्रम थे उसके विषय में भी कुछ नीचे नोट दिए हुए हैं, तो ये संकलन तो काफी मुश्किल रहा होगा आपके लिए। आपने बताया कि इस क्षेत्र में कार्टून के उतने लोग नहीं हैं जो पसंद करें या उतना रिस्पांस नहीं मिल पाता है, तो क्या इस पत्रिका के आने के बाद लोगों का नजरिया या प्रतिक्रिया बदल रही है? जी, बिल्कुल बदल रही है। हमने धारा के विपरीत काम किया है जी। और हमारा आत्मविश्वास था, जुनून था, घर का सहयोग था, परिवार वालों का सहयोग था और अन्य जो कार्टूनिस्ट है पूरे देश में उनका सहयोग था, क्योंकि हम हमारी पत्रिका में पूरे देश के कार्टूनिस्ट अपने कार्टून भेजते हैं और उसको अपनी एक पत्रिका मानते हैं। तो हमने जब ये पत्रिका शुरुआत की तो लोगों का ये कहना था कि आप दिल्ली जाइए, बॉम्बे जाइए, लेकिन हमारा ये मानना था कि अगर हमारा काम अच्छा है तो देर से ही सही हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। और आज 10वां साल है हमारी पत्रिका का, और इवन आर के लक्ष्मण जी यहां आ चुके हैं, सुधीर तैलंग जिनको पद्मश्री मिली है, वो पद्मश्री मिलने के बाद हमारे प्रोग्राम में आए थे, उनको हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। कार्टून कोना डब्बू जी वाले धर्मयुग में जो आबिद सुरती जी थे उनको हमने यहां बुलाकर अभी हाल ही में उनको मुख्यमंत्री जी के हाथों उनको सम्मानित किया। तो पूरा देश का ध्यान आज छत्तीसगढ़ की ओर आकृष्ट हुआ है सिर्फ एक पत्रिका के निकलने से, क्योंकि ये लगातार निकल रही है। त्रिमत जी, आप विभिन्न समारोह में जाते रहते हैं, हम चाहेंगे कि आप उसके अनुभव हमारे साथ बांटें। सबसे पहले मुझे हैदराबाद आमंत्रित किया गया था, वहां कार्टून उत्सव जब यहां राज्य बन रहा था छत्तीसगढ़ में, उस दिन मैं हैदराबाद में था और वहां कार्टून उत्सव में मुझे आमंत्रित किया गया था, जिसके बारे में इंडिया टुडे में भी छपा था।
तो वहां जाकर ही मुझे प्रेरणा मिली कि हमको छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कार्टून शो करने चाहिए। और फिर वहां से आने के तुरंत बाद मैंने एक साल के अंदर यहाँ प्रयास किया और यहाँ लगातार पिछले 4 सालों से हम कार्टून उत्सव कर रहे हैं। कार्टून उत्सव को लेकर इस क्षेत्र के कार्टूनिस्टों की क्या प्रतिक्रिया हो रही है? यहाँ वो उत्सव एक माध्यम बना हमारे पूरे प्रदेश में टैलेंट सर्च करने के लिए, कि कई लोगों के अंदर कार्टून बनाने की का टैलेंट है लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ अखबारों में भी स्थान नहीं मिलता था कार्टूनिस्टों को। तो हमने प्रदेशव्यापी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं की विभिन्न विषयों पर और उनमें पुरस्कार दिए, उनको उनकी एंट्रीज आई, तब उनको पता चला कि हमारे प्रदेश में बहुत टैलेंट है लेकिन वो प्रतियोगिता के माध्यम से ही सामने आते हैं। त्र्यंबक जी, ऐसा माना जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे नारी का हाथ होता है, इसमें आपके क्या विचार हैं? हर पुरुष की सफलता के पीछे नारी का हाथ तो इसलिए ही होता है क्योंकि वो पैदा ही नारी के माध्यम से होता है जी। तो इसलिए माँ से बड़ा कोई होता नहीं, तो हमारी माँ का इसमें माता का, पिता का और हमारी पत्नी का, माता के बाद पत्नी का स्थान होता है जी। तो माता और पत्नी दोनों का इसमें स्थान है। त्र्यंबक जी, कार्टून एक आम आदमी को कितना प्रभावित करता है, क्योंकि अभी हाल ही के कुछ ऐसे कार्टूनों पर विवाद जो हुआ था, हम सभी इससे परिचित हैं जी। तो कृपया इसके बारे में हमें बताएं। कार्टून होता आम आदमियों के लिए है जी। लेकिन आम आदमियों के हित में होना चाहिए। अगर किसी आदमी की भावना आहत हो रही हो तो वो फिर कार्टूनिस्ट की गलती मानी जाएगी, क्योंकि जब कार्टूनिस्ट को पता है कि, क्योंकि कार्टूनिस्ट जो सोचता है वो जो चीजें सामने नहीं होती उसके बारे में सोचता है, मतलब वो पीछे की जो पर्दे के पीछे की चीजों को भी आगे दिखा सकता है जी। लेकिन उसको कहां तक दिखाना है जिससे आम आदमी या किसी की भावना आहत ना हो, ये उस कार्टूनिस्ट को ख्याल रखना होता है। जैसे कि हम ये पत्रिका 10 साल से निकाल रहे हैं लेकिन अभी तक हम विवाद में नहीं पड़े, क्योंकि विवाद में पड़ना बहुत आसान है कि फिर कार्टूनवाज की प्रतियां जलाई जाएंगी, विरोध होगा, हमको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उससे लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा माध्यम है प्रचारित होने का, लेकिन वो बहुत शॉर्ट कट है वो जी। और इसलिए हर कार्टूनिस्ट को इससे बचना चाहिए कि वो अपना नाम आर के लक्ष्मण आज तक विवाद में नहीं पड़े इतने बड़े कार्टूनिस्ट होकर। तो जो आदमी धीरे धीरे चलता है वो कछुए की चाल से ही सही वो जीतता है जी। तो कार्टूनिस्ट को ऐसा ही सोचना चाहिए कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़े, न कि किसी प्रोपोगंडा या किसी विवाद में पड़ के जी। लीग से हटकर काम करने की आपकी प्रवृत्ति रही है जी। जैसे कि आपने अभी एड्स पे, पर्यावरण पे, बच्चों की शिक्षा पे लघु पत्रिकाएं प्रकाशित करवाई हैं, आप रोज सुबह झंडा फहराते हैं, इसके पीछे की क्या भावना है? घर पे रोज तिरंगा फहराना हमने 15 अगस्त से शुरू किया जी। 15 अगस्त से, क्योंकि नवीन जिंदल ने जो लड़ाई लड़ी थी कि हर आम भारतीय नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है, उसके लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से। पहले हमारे को अधिकार नहीं हुआ करता था, तो जब हमें अधिकार मिला है कि हम अपने घर पर शान से तिरंगा फहरा सकते हैं तो हमें फहराना चाहिए। हमारे प्रदेश में, देश में कई ऐसे संपन्न लोग हैं जो इस काम को आराम से कर सकते हैं, मतलब उनमें उनको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होना है, बहुत ज्यादा उनको दिक्कत नहीं होनी है। हर आम आदमी तो नहीं कर सकता जी। लेकिन कई ऐसे संपन्न लोग हैं जो इसको आसानी से कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं करते हैं। जबकि अगर आपके घर के ऊपर तिरंगा फहराता दिखता है तो उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में लोग उस तिरंगे की तरफ देखते हैं और सलाम करते हैं और एक रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। जब भी मैं घर से निकलता हूं तो उस तिरंगे को सलाम करते हुए निकलता हूं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं देश की भावना मेरे अंदर जागृत होती है। जो सिर्फ हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए रख दिए हैं, और 15 अगस्त और 26 जनवरी सिर्फ बच्चों के लिए रह गया है कि उनको चॉकलेट मिलता है या वो सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो राष्ट्र भावना है वो विकसित नहीं हो रही है। तो सिर्फ 2 दिन के भरोसे हम राष्ट्र भावना विकसित नहीं कर सकते। 15 अगस्त और 26 जनवरी अगर हम हर रोज तिरंगा फहराएंगे तो हमारे अंदर कुछ न कुछ तो अच्छाई आएगी, कुछ न कुछ हमारे अंदर जो बुराई आने वाली होगी उसको हम रोक सकेंगे, हमें देश याद आएगा। त्र्यंबक जी, भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं आपकी? भविष्य में एक तो हमने जब आपको बताया कि एनिमेशन पर हम एक संस्थान खोलना चाहते हैं जी। दूसरा, हम देश का एकमात्र कार्टून म्यूजियम इस प्रदेश में बनाना चाहते हैं। अभी तक पूरे देश में कार्टून पर कोई म्यूजियम नहीं है, जबकि विदेशों में हर देश में कई म्यूजियम है कार्टून पर। तो हमारे लिए, हमने ये प्रयास किया है, शासन को हमने प्रस्ताव दिया है कि कार्टून म्यूजियम, जिसमें आज से 50 साल पहले से जो संग्रह हमारे पास है कार्टून के, उससे लेकर और देश के जितने कार्टूनिस्ट हैं उनके बारे में उसमें जानकारी रहे,
बच्चों के लिए उसमें एनिमेशन फिल्म दिखाने का की सुविधा रहे। जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बनाकर दिखाएं। जरूर बनाकर दिखाएंगे। जी, ये तो देखकर लग रहा है कि रिकॉर्डिंग का ही आपने कुछ रेखाओं के माध्यम से कार्टून बना दिया है। जी, अब वो तात्कालिक तो आप लोग मेरा कार्टून बना रहे हैं, तो मैं इसमें यही बताना चाह रहा हूँ कि एक कार्टूनिस्ट का भी कार्टून आप लोग बना सकते हैं कैमरे के माध्यम से। सबसे अच्छा हास्य होता है जो खुद के ऊपर किया जाता है, तो आज मेरा ये मानना है कि आप लोगों ने मिलकर मेरा कार्टून बनाया है कि आप ऐसे बैठिए, ऐसे बात कीजिए, बार बार बोलिए। जी, तो वही मैंने इसमें बनाया कि आज आप लोगों ने मुझे कार्टून बना दिया है। पर आपने ये जो बनाया वो वाकई में बहुत ही सुंदर है। दर्शकों, हम चाहेंगे कि आप भी इसे देखें कि त्र्यंबक शर्मा जी ने अपने स्वयं का कार्टून किस प्रकार बनाया है। हमने आज जाना कि इस विधा में और कितनी गहराई है और इसके विभिन्न पहलुओं को देखा। ये सब बताने के लिए और अपने अनुभव को बांटने के लिए हम त्र्यंबक शर्मा जी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर भेजिए। द्वारा निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Thank you.